A news update sponsored by ProSkill Hub. Get your dream job. Address: Ground Floor, John Tower, कॉलेज चौराहा, रीवा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मैं उर्वशी रीवा की दो बड़ी खबरों के साथ। जहां वैश्य समाज के द्वारा रीवा संजय गांधी अस्पताल में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, यह सम्मेलन वैश्य समाज के संस्थापक नारायण प्रसाद की पुण्यतिथि पर पूरे प्रदेश में ब्लड डोनेट कैंप लगाया गया। यह महासम्मेलन हर वर्ष आयोजित होता है, जिसमें कम से कम 10 से 15 लोग ब्लड डोनेट करते हैं। आइए आपको सुनाते हैं बंसीलाल साहू, युवा जिला अध्यक्ष वैश्य समाज ने क्या कुछ कहा। वैश्य महासम्मेलन के संस्थापक नाना जी की पुण्य तिथि के अवसर पर पूरे मध्य प्रदेश में हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय उमा शंकर गुप्ता जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में युवा इकाई द्वारा, वैश्य महासम्मेलन की युवा इकाई द्वारा ब्लड डोनेट कैंप लगाया जा रहा है। ब्लड डोनेट कैंप हर वर्ष लगाया जाता है और हमारे माननीय उमाशंकर गुप्ता जी का यह उद्देश्य है कि ऐसे पुनीत कार्य, ब्लड डोनेट कैंप, किसी के विवाह में सहयोग, तरह तरह की जो सामाजिक समस्याएँ, किसी को परेशानी, उसमें सहयोग करें। तो आज नाना जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब ब्लड डोनेट कैंप लगाए हैं और ब्लड डोनेट करने आए हैं। अभी शुरुआत हुई है, करीब 10 से 15 लोग ब्लड डोनेट करेंगे। क्या नाम? बंसीलाल साहू, युवा जिला अध्यक्ष वैश्य महासम्मेलन। बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की। शहर में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही है, लिहाजा पुलिस चेकिंग से बचकर निकलने वाले लोग भी कार्यवाही के दायरे में आ रहे। शहर के विभिन्न चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से 500 से अधिक वाहन चालक चिन्हित किए गए हैं। सभी ट्रैफिक नियमों को तोड़ने की तस्वीर सहित नोटिस जारी की गई है। नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया कि निर्धारित समय पर जुर्माना ना चुकाने पर प्रकरण कोर्ट में भेजा जाएगा। पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने शहर में लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से लापरवाह वाहन चालकों को चिन्हित करने के लिए टीम लगाई है, जिसे सप्ताह भर में 500 वाहन चालक चिन्हित किए गए, जिनमें से ज्यादातर बिना हेलमेट, मोबाइल ट्रैफिक सिग्नल जंप करना व 3 सवारी वाले वाहन चालक शामिल हैं। इनके द्वारा यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वाहन नंबर के आधार पर पुलिस ने करीब 500 वाहन चालकों को चिन्हित किया है। अब इनके घर जुर्माने की नोटिस दी जा रही है। पुलिस ने नोटिस के साथ उन्हें फोटो भी दी है, जिसमें वह यातायात नियम तोड़ रहे थे। पुलिस को चकमा देकर निकले लोगों की खुशी पुलिस ने पल भर में हवा हो गई। आमतौर पर चौराहों पर एक दो पुलिसकर्मी ड्यूटी करते हैं, जो लापरवाहों पर नियमित कार्यवाही नहीं कर पाते। यही कारण है कि शहर में काफी संख्या में लोग यातायात नियमों की अनदेखी करते हैं। कार्यवाही के लिए अब पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद ले रही है। जो नियम तोड़ते हैं और बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हैं, सीसीटीवी फुटेज से उनके घर चालान भेजा जा रहा है, क्या कैसा है, कितने लोगों को भेजा जा रहा है? देखिए, ये हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर और पुलिस मुख्यालय के आदेश से डीएसपी सर, ट्रैफिक सर ने एक टीम बनाई है। वो टीम सर्वलाइंस टीम है, जो कि हमारे शहर में जितने भी कैमरे लगे हैं, जो ANPR, PTZ जो भी कैमरे लगे हुए हैं, उन कैमरों के माध्यम से प्रत्येक चौराहे तिराहे पर जो लोग ट्रैफिक सिग्नल्स का वायलेशन करते हैं, बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हैं, बिना नंबर प्लेट के वाहन चलाते हैं, 3 सवारी बैठ कर के मोटरसाइकिल चलाते हैं, या फिर मोबाइल से बात करके वाहन चलाते हैं, या कोई दूसरा वायोलेशन करते हैं मोटर व्हीकल एक्ट का, तो ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ जो है, हम वो कैमरे से ऑटोमेटिकली इमेज जो है वो कैप्चर्ड हो जाती है और उस इमेज के माध्यम से हम उसको सर्वलाइंस में डाल करके नोटिस भेजते हैं मोटर व्हीकल एक्ट की कार्रवाई के लिए, वो चलान करते हैं। यदि ऐसे वाहन चालक जिनका घर पर नोटिस गया है, उनका ज़रूरी है कि वो 7 दिवस के भीतर थाना यातायात में आके वो राशि जमा कर दें, शुल्क जो है उनको जो बताया गया वो जमा कर दें, अदरवाइज़ ऑटोमेटिकली वो सारे प्रकरण जो है माननीय न्यायालय पेश हो जाएंगे और फिर भारी जुर्माना होगा। अभी तक लगभग सर कितने लोगों को भेजा गया है? अभी तक हमने लगभग 500 से 600 वाहनों को, ऐसे मोटर व्हीकल एक्ट का जिनने उल्लंघन किया है, उनको डिटेक्ट किया है और उनको घर पर ही हमने नोटिस भेजा है, ई चलान भेजा है, और
जिनका ई चलान हुआ है वो 7 दिवस में अपना जमा कर दें, अदरवाइज वो जुर्माना जो मैंने बताया वो होगा। अ न्यूज अपडेट स्पॉन्सर्ड बाय प्रोस्किल हब, गेट योर ड्रीम जॉब। एड्रेस: ग्राउंड फ्लोर जॉन टावर, कॉलेज चौराहा, रीवा।